हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं लेके आई हूँ पुदीने वाले जीरे आलू की रेसिपी। ये रेसिपी शेफ़ कुणाल कपूर की है, जो कि काफ़ी फेमस शेफ़ है और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ये अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे। तो आज मैं इन्हीं की रेसिपी लेके आई हूँ। और अगर आपको जो है ओरिजिनल रेसिपी देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। और क्योंकि वैसे तो इनको सब जानते हैं और सब इनको फॉलो करते हैं मैक्सिमम लोग, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू लिए, जिसे मैंने चौरस टुकड़ों में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो वो ऑयल को गर्म होने देंगे। और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग। इसे कुछ सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे ताकि जीरा थोड़ा भुन जाए। और इसके बाद इसमें जाएगा उबला हुआ और कटा हुआ आलू। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। और इसके बाद हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेना है। आपको जो है आलू को हल्के हाथों से फ्राई करना है, ताकि या फिर इस तरह से टॉस कर सकते हैं, क्योंकि आलू जो है उबले हुए टूट सकते हैं, तो इसलिए हल्के हाथों से इस तरह से इन्हें आप चला ले या फिर टॉस कर ले। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है कॉमन सॉल्ट डाला है, यानी सफेद वाला, क्योंकि इसमें काला नमक भी जाएगा, तो 1/4 टीस्पून ही मैंने डाला है ब्लैक सॉल्ट। नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी मैंने इसमें डाल लिया है। इसके बाद इसे हल्के हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे हम भून लेंगे, ताकि ये जो सारे मसाले हैं ये आलू में अच्छे से कोट हो जाए और इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है आलूओं में आ जाए। और अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे जो पुदीने वाले जीरा आलू है बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इसमें अभी हम डालेंगे पुदीना, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैंने यहाँ पे पुदीना जो है पाउडर फॉर्म में लिया है 1/2 टीस्पून, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मेन चीज़ है वो पुदीने का पाउडर है, तभी हमारे आलू ज़ीरा पुदीने वाले बन सकेंगे। तो देखिए आलू बिल्कुल तैयार है, तो ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया। तो अच्छे से मिक्स कर ले और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो आप देख सकते हो बहुत ही, मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें पूरी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या फिर परांठे के साथ। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में। अगर आपके पास ऑलरेडी उबले हुए आलू है तो हार्डली 5 मिनट जो है इसे बनने में लगते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।